हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल की ब्यूटी एंड स्टाइलिंग। लास्ट वाला व्लॉग जो है मैंने टू बी कंटिन्यूड पे छोड़ दिया था, और आज के व्लॉग में मैं स्टार्ट कर रही हूँ हमारी गाड़ी से। तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और मैंने सारी तैयारी कर ली थी, और जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने अपना बैग वैग सब तैयार कर लिया था, और उसके बाद अभी जस्ट हस्बैंड गए हैं तेल वेल डलवाने। तो मैं अपना पूरा व्लॉग यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। इवन मैं बता देती हूँ, मेरे को ट्रैवलिंग मेरे बस की नहीं है, क्योंकि ना मुझे तेल चढ़ जाता है, या तेल जिसको बोलते हैं ना, मेरे को हेजिटेशन हो जाती है। सो ऑयल डलवा लेते हैं हमारी गाड़ी में, और देन उसके बाद हम चलेंगे। गाइस अभी आ जाएंगे मेरे हस्बैंड, तो यहाँ पे बैठेंगे वो, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। टिल देन बाय गाइस। हे गाइस, तो यहाँ पहुँच गए थे एम्बियंस मॉल में, और एम्बियंस मॉल की ये पार्किंग है जहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे थे। बट ये हमारी वाली गाड़ी नहीं है, हमने हमारी गाड़ी को पार्क कर दिया था। जो आपने सामने देखी है वो हमारी गाड़ी नहीं है गाइस। सो उसके अलावा यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, मेरे ननंद है और नंदोई है। मेरे ननंद और नंदोई यहीं आसपास ही रहते हैं, तो उनको साथ ही हम ले आए थे। हम चारों यहाँ पे एम्बियंस मॉल में आ चुके थे। तो एम्बियंस मॉल में हम आफ्टर लॉकडाउन फर्स्ट टाइम आए थे, और इसलिए आप देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्किंग में नहीं है, वरना पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिलती है। सो यहाँ पे हम जा रहे हैं, और जाते जाते मेरे हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, तो आप देख सकते हो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर झगड़ा हो गया था। बट उसके बाद सब ठीक हो गया था, वैसे ही छोटी मोटी बात पर हो गया था। वो थोड़े से शाय है यार कैमरे के सामने आने से। सच बताऊँ तो मेरी सारी ससुराल वाली फैमिली बहुत ज़्यादा शाय है कैमरे के सामने आने से, और पीहर फैमिली से भी मैं आपसे कभी ना कभी मिलवाऊंगी। तो ये है एम्बियंस मॉल आफ्टर लॉकडाउन। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे भीड़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खुला खुला सब माहौल आप देख सकते हो। तो ये चारों जो आप आगे देख रहे हो, ये मेरे ननंद नंदोई और उनका एक लड़का है, और सामने आगे ही मेरे हस्बैंड चल रहे हैं। तो ये एम्बियंस मॉल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था आफ्टर लॉकडाउन, आप देख सकते हो बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं है, और मुश्किल से ही, मतलब बहुत मुश्किल से ही 50-60 आदमी थे, ज़्यादा नहीं थे। तो ये हालत है आफ्टर लॉकडाउन। उसके बाद हम यहाँ चले गए थे बिग बाज़ार में। सो यहाँ पे है बिग बाज़ार, और बिग बाज़ार में हम जा चुके थे। ये एंट्री है, तो एंट्री बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रही है यार गाइज़। मतलब आप मास्क लगाए बिना अगर जाते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। और आफ्टर लॉकडाउन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो चुकी है, और उसके अलावा भीड़ तो बहुत ही कम है यार, मतलब बिल्कुल ही नाम मात्र लोग दिखते हैं आजकल। सो ये आप देख सकते हो अच्छे खासे ऑफर्स चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, सारी चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो गई हैं, अच्छे खासे ऑफर्स चल रहे हैं। तो अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर आप अपने बच्चों को लेके जाते हो ना, तो गाइज़ बच्चे अलाउ नहीं हैं, 7 साल से कम के बच्चे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो अगर आप लेके जाना चाहते हो तो अच्छे से मास्क लगा के जाएं, और बच्चों को अच्छे से मतलब सैनिटाइज करके लेके जाएं। हमने जैसे तैसे करके मेरे ननंद के बच्चे को यहाँ पे अलाउ कर लिया था, बट बहुत ही मुश्किल से अलाउ किया था यार। तो यहाँ पे मैं कुछ पर्स वगैरह देख रही थी, थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग कर ली थी, तो आप देख लीजिए पूरा व्लॉग। उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे किचन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, तो आप पूरे इस व्लॉग में देख सकते हो। सो ये कुछ बैग्स हैं जो मैंने यहाँ पर देखे थे, अच्छे खासे बैग्स थे गाइज। सो यहाँ पर मैंने एक ही बैग परचेज़ किया था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो ये हैं कुछ बैग।
गाइस सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, जो मैंने आपको बिग बाजार दिखाया है ये सहारा मॉल वाला था, और ये वाली वीडियो जो है 3 और 4 सितंबर के आसपास की है। सो ये मैंने आपको फुल व्यू दे दिया एम्बियंस मॉल और सहारा मॉल का। सो आप देख सकते हो, इसके बाद हम अपने घर पर जा रहे थे, कुछ एक बैग्स थे जो कि मेरे हस्बैंड के हाथ में ही थे और वही वीडियो बना रहे थे। सो गाइज, इसके बाद ननंद और नंदोई को हमने घर पे छोड़ दिया था, उनका बेटा जो है थोड़ा सा थक गया था, इस वजह से हम ज़्यादा और नहीं घूम पाए थे। सो ये फुल व्यू आप देख सकते हो, और इसके बाद हम भी घर पे चले गए थे, तो कुछ एक बैग्स थे, कुछ एक शॉपिंग मैंने की थी जो कि ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइज़, अब हम जा रहे हैं घर पर और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइज़।